हे गाइस, वेलकम टू जैक फ्रूट। तो पिछले मॉड्यूल में हमने देखा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में चीज़ें एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज की गई हैं और किसी चीज़ को हम किसी ग्रुप में या किसी पीरियड में किस रीज़न से डालते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। इस मॉड्यूल में भी हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो ग्रुप वन है, ग्रुप वन यानी ये वाला जो ग्रुप है, सी ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन को यहाँ लिखा जाता है बट हाइड्रोजन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी ग्रुप वन का हिस्सा नहीं है, इसीलिए इसको ब्लू से लिखा गया है और बाकी का पिंक से। सो हाइड्रोजन इज नॉट द पार्ट ऑफ ग्रुप वन। तो हम ग्रुप वन के लिए लिख सकते हैं कि जो ग्रुप वन है दैट इज कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स। ठीक है। सो ग्रुप वन के जितने भी मेटल्स हैं यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, दे आर कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स। सिमिलरली जो ग्रुप टू हमें यहाँ दिख रहा है दे आर कॉल्ड एज अल्कली अर्थ मेटल्स। तो ये नाम याद रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हायर क्लासेस में आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। जो ग्रुप थ्री से लेके ग्रुप 12 है यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ग्रुप थ्री से लेके जो ग्रुप 12 है ये सारे के सारे, इनको कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ओके। ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में ट्रांजिशन कराते हैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक क्या होता है वो आप हायर क्लासेस में समझ पाओगे। तो आगे चलते हैं। फिर हमारे पास है ग्रुप 13। ग्रुप 13 इज दिस, ग्रुप 13 इज कॉल्ड एज बोरॉन फैमिली। तो बस आपको इन सारे ग्रुप्स के नाम याद रखने हैं। देन नेक्स्ट इज 14। 14 का पहला एलिमेंट है कार्बन, सो दिस इज कॉल्ड एज कार्बन फैमिली। ओके। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन, ग्रुप 15, सो दिस कैन बी रिटन एज नाइट्रोजन फैमिली और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज निक निक्टोजेंस। ठीक है, इनके कॉमन नेम है निक्टोजेंस। ओके, अब ग्रुप 16 की बात करते हैं। ग्रुप 16 जो है वो यहाँ पे है, ऑक्सीजन से शुरू होता है, सो दिस इज ऑक्सीजन फैमिली एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज चैल्कोजेंस। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चैल्कोजेंस। तो इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। जो ग्रुप 17 है दैट इज कॉल्ड एज फ्लोरीन फैमिली और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज हेलोजेंस। ठीक है, हेलो मीन्स सॉल्ट, जेंस मीन्स जेनेसिस, सो दे आर सॉल्ट प्रोड्यूसिंग हेलोजेंस। ओके। जो ग्रुप 18 है, ये 17 था, जो ग्रुप 18 है दे आर फिल्ड विद नॉन रिएक्टिंग गैसेस, सो दे आर कॉल्ड एज नोबल गैसेस। तो इस फैमिली को हम पूरे के पूरे को नोबल गैसेस बोल सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि किस नॉमेनक्लेचर से किस ग्रुप को एड्रेस किया जाता है। तो ये सारे ग्रुप्स के नॉमेनक्लेचर हो गए। जो मैं एस ब्लॉक पी ब्लॉक बोल रहा था, जो ग्रुप वन और टू है उसको कंबाइंड करके एस ब्लॉक बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो दो यहाँ पे ग्रुप्स लिखे हुए हैं इनको मैं बोल सकता हूँ एस ब्लॉक। ओके। जो ग्रुप थ्री से 12 तक है दिस इज कॉल्ड एज डी ब्लॉक। ठीक है, अगेन मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्लास 10th के लेवल पे कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक क्या होता है, ये क्लास 11th में इंक्लूड किया जाता है। सो 13 से लेके 18 तक दिस इज कॉल्ड एज पी ब्लॉक। ठीक है, और एक और ब्लॉक होता है। अगर मैं इन दोनों
ये जो दो पीरियड्स हमें दिख रहे हैं जिनको हम लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज एफ ब्लॉक। तो पीरियोडिक टेबल में चार ब्लॉक्स होते हैं, ये दो ग्रुप मिलके एस ब्लॉक बनाते हैं, यहाँ पे छह ग्रुप्स मिलके पी ब्लॉक बनाते हैं, यहाँ 10 ग्रुप मिलके डी ब्लॉक बनाते हैं, और यहाँ पे ये जो दो पीरियड लास्ट में दिख रहे हैं दे फॉर्म द एफ ब्लॉक। ओके, लेट्स मूव अहेड। ओके, कंपैरिजन ऑफ मॉडर्न एंड मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं कंपैरिजन ड्रॉ करना चाहता था, क्योंकि हमने बार बार पहले कहा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फाउंडेशन मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल से आता है, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल अगर मैं देखूँ, तो जो ग्रुप वन ए है उसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम आता है। जो हमारे पास मॉडर्न डे पीरियोडिक टेबल है उसमें ग्रुप 1 जो है वो एक्चुअली ग्रुप 1 ए है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिथियम, ओप्स, लेट मी यूज सम लाइटर कलर, मे बी येलो। ओके, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है 1A, यानी यहाँ पे ये जो नोटेशंस है ये एक्चुअली मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के नोटेशंस हैं। तो ग्रुप 1A यहाँ पे हो गया। ओके, उसके बाद जो यहाँ पे ग्रुप 1B दिया गया है इसको देखते हैं। ग्रुप 1B इज कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। अगर मैं इसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ढूंढूं तो मुझे ये चीज़ यहाँ मिलती है, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1B लिखा हुआ है। तो जो 1B ग्रुप है मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल का, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 11 बन जाता है। ओके, सिमिलरली जब हम ग्रुप 2A की बात करें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, जो ग्रुप 2A है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे है, और हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम। सो 2A यहाँ पे आ गया। इसके बाद जो 2B है, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे है, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये 2B हो गया। ठीक है, सिमिलरली 3A 3B, 4A 4B, 5A 5B, 6A 6B, 7A 7B। तो इसके बाद से सीक्वेंस शुरू हो जाता है। देखिए यहाँ पे ये 3A है, ये 4A है, 5A 6A एंड 7A एंड 8A। ओके, इसको हमको 8A नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मंडली पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 8 कुछ अलग होता है। तो ये जो सारे ए वाले ग्रुप्स हैं वो यहाँ पे हैं, 1A 2A 3A 4A 5A 6A एंड 7A। उसके बाद जो बी वाले ग्रुप्स हैं वो यहाँ से शुरू हैं, 1B 2B, फिर उसके बाद 3B 4B 5B 6B एंड 7B। सो 1B 2B, सो बी वाले सारे ग्रुप्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, ए वाले सारे ग्रुप्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। ये जो ग्रुप 8 है जो कि मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल में ये था, आयरन, कोबाल्ट और निकिल वाला, तो ये है आयरन, कोबाल्ट और निकिल वाला ग्रुप। तो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप 8 है वो एक्चुअली में यहाँ पे होता है, ग्रुप 8 9 और 10। नोबल गैसेस मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में नहीं थी और वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट करती हैं। तो इस तरीके से मेंडेलीव और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को आप रिलेट कर सकते हो, आप याद कर सकते हो कि 1A 1B 1 2, और फिर उसके बाद 13 से लेके 17 तक ये सारे ए वाले ग्रुप्स हैं। उसके बाद जब हम बी वाले ग्रुप्स आते हैं तो पहले 11 12, उसके बाद फिर 3 4 5 6 7, फिर 8A 8B एंड 8C। तो कुछ इस तरीके से मेंडेलीव और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में काफ़ी सिमिलैरिटी है। जो ऑर्गेनाइजेशन है कॉलम्स का वो थोड़ा सा आगे पीछे है, बट हाँ जो बेसिस है ऑर्गेनाइजेशन का पीरियोडिक टेबल का वो सिमिलर ही है। इसीलिए हम कहते हैं कि मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल इज़ द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट मॉड्यूल, थैंक यू।